कंसी अकलमश गणन्मत नाय देव शुद्धोदके रबिनया मिमाभिषेकम ओम रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम ग्वम मम हम सम तम पम ग्वम ग्वम मम मम खम गम सम सम तम तम पम पम छम छम क्षीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावत वै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जन जन्मशांति स्वा द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते ओम रीम क्रम मम पापम कंडय कंडय जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमो पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरम झम क्षीम क्षीम खम स छम वम र झम क्षीम क्षीम खम स छम वम र य स क्षम क्षीम क्षम 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 क्षीम राम रीम रूम रैम रोम राम र द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमती परम पूज्य संत श्रीमती आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र संगस्थ मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य आचार्य समय सागर जी संगस्थ समस्त स्वास्थ्य लाभस्य हरिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी स्वास्थ्य लाभस्य श्री अरुण अरुण पन्नालाल जैन लता अरुणलाल जैन विनय अरुण जैन वैशाली विनय जैन शीतल अरुण जैन लियाना सौ सुचिता रुचिता शीतल जैन सचिन सचिन अरुण जैन सौ श्वेता सचिन जैन संयम परम नियम अरम खुशी सुचि सचि जैन कुसुम्बा निवासी परिवार से सम आश्रव यों अजीब अब आश्रव सुनिए मनवच काय त्रियोगा मिथ्या अवृति अरु कसाय सहित उपयोगा यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। ये आश्रव तत्व के संदर्भ में आचार्य का अनुकरण करते हुए पंडित दौलत राम जी ने कहा है कि अभी तक तुमने जो अजीब की बात सुनी अब तुम आश्रव की बात सुन लो। आश्रव मन वचन काय के तीनों योग के साथ जो उपयोग होता है वह आश्रव का कारण बनता है। कर्म जब आत्मा में आने लगते हैं तो वह आश्रव कहलाता है। वैसे इन सात तत्वों को अगर हम एक छोटे सी कहानी के माध्यम से सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि एक सोमदत्त नाम का व्यक्ति था, वह चला जा रहा था, उसके पैर में कांटा लग गया। कांटा लग गया तो उसका पैर, वह कांटा निकालने के लिए जब घर पहुंचता तो उसकी पत्नी पूछती क्या हुआ, तो कहता तत्वबोध हुआ। कौन सा तत्वबोध हुआ? तो कांटा अजीब है, पैर जीव है, कांटे में पैर में कांटा गया आश्रय हुआ, कांटा टूट गया और फंस गया, ये बंद हो गया। और इसके बाद कांटा ना लगे इसके लिए जो मैंने खड़ाऊ पहन ली या मैंने देख कर के चलना शुरू कर दिया, ये संवर हो गया। और जब वह सड़ा कांटा बैठ कर के टुकड़े टुकड़े में निकाला तो ये कांटे की निर्जरा हुई, और जब संपूर्ण कांटा बाहर निकल गया तो ये मोक्ष हो गया। नाव के आधार पर भी सात तत्वों का उदाहरण दिया जा सकता है। तो आश्रव तत्व जो होता है हमारा, वह आश्रव यही है कि दुख का कारण है। और ये आश्रव हम हंसी में, मजाक में, क्रूरता में, अपने बदले की भावना से, सारी की सारी दृष्टियों से जो कर्म का आश्रव करते हैं, वो कर्म का फल कभी हमारा छूट नहीं सकता। लेकिन विडंबना इस बात की है कि अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यते, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान में किया हुआ पाप तीर्थ स्थान में विनाश को प्राप्त होता है, और तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप वज्रलेप के साथ भव्य होता है। आज लेकिन जिनने तीर्थ हड़पने की नीति बना ली है, जो तीर्थ हड़पना चाहते हैं और तीर्थ हड़पने के लिए पापों का अंबार लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने पास रख रहे हैं, मजदूरों को शराब पिला रहे हैं, मांस खिला रहे हैं,
और उन्हें शराब पीने और मांस खाने की छूट दी जा रही है, और वो उनको जानकारी में, साधुओं की जानकारी में होने के बाद भी उनको हटाने की तो बात दूर, उनके लिए लड़ने के लिए इनाम दी जा रही है कि आप झगड़ा करेंगे दिगंबरों के साथ तो आपके लिए पुरस्कार पारितोषक दिया जाएगा। ये साधु वृत्ति के कितने बाहर है इस पर हमें सोचना होगा। लेकिन इसके बाद भी हमारी विडंबना इस बात की कि हम दिगंबर लोग सिर्फ एक ही बात सोच करके चलते हैं कि तीर्थ को हम बचाएंगे तो अहिंसक रीति से ही बचाएंगे, क्योंकि सिरपुर का एक एक कण कण ये कहता है कि यह मंदिर दिगंबर है।